हेलो एवरीवन, दिस इज प्रभा सिंह न्यूज़ एंड न्यूज़ म्यूजिक स्टार अकेडमी में सभी का स्वागत है। आज हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है, संगीत परिचात ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? अहोबल रम आते लोचन या पुंडरिक विट्ठल। पहला क्वेश्चन है, संगीत परिचात ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? अहोबल रम आते लोचन या पुंडरिक विट्ठल। संगीत परिजात ग्रंथ किसके द्वारा लिखित है? अहोबल रमामात्य पुंडरिक विट्ठल या फिर लोचन। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर वन, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर वन आएगा इसका आंसर, अहोबल जी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन क्वेश्चन इज हियर, शारंगदेव का संगीत रत्नाकर जो ग्रंथ आता है वो किस काल का है? प्राचीन काल का है, वैदिक काल का है, मध्य काल का है या फिर आधुनिक काल का है? शारंगदेव का संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है वो किस काल का है? प्राचीन काल, वैदिक काल, मध्य काल या फिर आधुनिक काल? देखो, प्राचीन काल का तो बिल्कुल नहीं है, 7वीं शताब्दी समथिंग टाइम आता है इसका। वैदिक काल तो बहुत पुराना हो गया, आधुनिक काल का भी नहीं है क्योंकि मध्य काल 13वीं शताब्दी का माना जाता है ग्रंथ। तो इस हिसाब से 13th जो सेंचुरी है, दैट इज़ मेडिएवल टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किस ग्रंथ में अलंकार का वर्णन मिलता है? संगीत परिजात, नाट्यशास्त्र, वृद्धदेशी या संगीत दर्पण। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में अलंकार का वर्णन मिलता है? संगीत परिजात, नाट्यशास्त्र, वृद्धदेशी या संगीत दर्पण। तो इसका आंसर क्या है? नाट्यशास्त्र। ठीक है, अलंकार का जो वर्णन मिलता है वो नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिलता है, जो कि भरत के द्वारा लिखित है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है वो अचरक तान का उदाहरण है? सारेगा, सासा गागा, नीसा नीसा या सारेगामा। विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ अचरक तान? सारेगा, सासा गागा, नीसा नीसा या सारेगामा। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, सासा रे रे गगा, ये जो है इसमें अचरक तान का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इसमें से किस तान को कर्णयुक्त तान कहते हैं? दानेदार तान को, अचरक तान को, पूर्व तान को या गिटकरी तान को? इनमें से किस तान को कर्णयुक्त तान कहा जाता है? दानेदार तान, अचरक तान, पूर्व तान या फिर गिटकरी तान? वट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? देखो, कर्ण का मतलब क्या होता है? ये बोलते हैं ना कि कर्ण, यानी कि बहुत बारीकी से गाना, और कर्ण को हम एक वर्ड भी बोल सकते हैं दाना। दाना जो होता है आपको पता है नॉर्मली कितना बारीक होता है, तो इसका जो आंसर होगा दैट इज़ दानेदार तान। ठीक है, किस तान को कर्ण तान कहते हैं? दानेदार तान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, स्वरांतर तान जो है उसमें कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3 का, 2 का, 8 का या फिर 4 का? स्वरांतर तान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3, 2, 8 या फिर 4? स्वरांतर तान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? 3, 2, 8, 4 क्या होगा इसका आंसर? स्वरांतर तान में कितने स्वरों का प्रयोग होता है? तो उसका जो आंसर होगा आंसर नंबर डी, 4। 4 तानों का प्रयोग होता है स्वरांतर तान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, जब निषाद अपने सांस से 2 श्रुतियाँ चढ़ जाता है तो क्या होता है? कैशिक निषाद, काकली निषाद, साधारण निषाद या शुद्ध निषाद? जब निषाद अपने सांस से 2 श्रुतियाँ चढ़ जाता है क्या होता है? कैशिक निषाद, काकली निषाद, साधारण निषाद, शुद्ध निषाद? क्या आंसर आएगा इसका? काकली निषाद। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? काकली निषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, 8 नंबर, मूर्छना का अर्थ क्या है? उभार, चमकना, मोह या फिर सभी? मूर्छना का अर्थ क्या है? उभार, चमकना, मोह या फिर इनसे सभी? व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? व्हाट इज द मीन ऑफ मूर्छना? उभार, शाइन, अफेक्शन, ऑल ऑफ द अबव।
सो आंसर विल बी हियर सभी, ओके, ऑल ऑफ द अबव। मूर्छना का मतलब होता है उभार, चमकना, मुंह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, मेरू और धुरज के बीच में कितनी दूरी है? 32, 34, 36 या 30? हाउ मच डिफरेंस बिटवीन मेरू एंड धुरज? 32, 34, 36 और 30? What will be the right answer of this question? So please give me a reply. 32, 34, 36, 30. So answer will be here 36. आपको पता है कि मेरू और जो धुरज है, मेरू इसमें सांप और धुरज में तार सा, 36 का डिफरेंस है, ठीक है। श्रीनिवास ने विकृत स्वर कितने माने हैं? 5, 3, 4, 2. बिकॉज श्रीनिवास को पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने तार पर आंदोलन संख्या बताई है, उसके स्वरों का सीक्वेंस बताया, तो आपको ये पढ़ना जरूरी है कितने विकृत स्वर माने हैं, 5, 3, 4 या 2. श्रीनिवास ने विकृत स्वर कितने माने हैं? 5, 3, 4 या 2? सो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5, ठीक है, क्योंकि श्रीनिवास ने किसको फॉलो किया है ज़्यादा? अहोबल जी को। श्रीनिवास जो है अहोबल के सच्चे अनुयायी माने जाते हैं। शारंगदेव ने चतुश्रुतिक धावत को किस श्रुति पर रखा है? 10 पे, 11 पे, 20 पे या 22 पे? देखो एक चीज़ आपको बता दें, साधारण गंधार जो है वो शारंगदेव ने 10 पे रखा है, 11 पे अंतर गंधार को रखा है, 22 पे निषाद नोमली है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप आइडिया लगाइए कि चतुश्रुतिक धावत की बात हो रही है, 10 तो होने से रहा, वो 11 भी होने से रहा, 22 तो लास्ट श्रुति है कि हाँ भी 25 उससे आगे ज़्यादा हो जाती तो हम सोच सकते थे कि धैवत हो सकता है 22 पे, लेकिन लास्ट 22 इट्स में निषाद है वहाँ पे, तो इसका आंसर 20 हो, ठीक है, 20 होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसको नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, अहोबल ने षडज व पंचम के मध्य किस स्वर को रखा है? धैवत को, गंधार को, मध्यम को या फिर कोमल मध्यम को? अहोबल ने षडज व पंचम के मध्य किस स्वर को रखा है? धैवत, गंधार, मध्यम, कोमल मध्यम। धैवत को रखा है, गंधार को रखा है, मध्यम को रखा है या फिर कोमल मध्यम को रखा है? किसे रखा है? तो अहोबल ने षडज और पंचम के मध्य रखा है, आंसर इसका होगा बी, गंधार को, ठीक है, गंधार को रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 13, षडज व पंचम के पूर्व भाग में कौन सा स्वर है? षडज व पंचम के पूर्व भाग में कौन सा स्वर होगा? मध्यम होगा, ऋषभ होगा, गंधार होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? षडज व पंचम के पूर्व भाग में कौन सा स्वर है? मध्यम, ऋषभ, गंधार या कोई नहीं? यहाँ पे पूर्व भाग की बात हो रही है, बीच की बात नहीं हो रही है, कौन सा स्वर हो सकता है? पूर्व भाग की बात हो रही है तो पूर्व भाग के अकॉर्डिंग ही बताना है कि कौन सा स्वर होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ, ठीक है, षडज और पंचम के पूर्व भाग में ऋषभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि वीणा के तार को अगर 3 भागों में हम बांटे तो प्रथम भाग के अंत में कौन सा स्वर हमें मिलेगा? पंचम मिलेगा, धैवत मिलेगा, मध्यम मिलेगा या गंधार मिलेगा? वीणा के तार को अगर आप 3 भागों में डिवाइड करते हो तो कौन सा स्वर आपको लास्ट में प्राप्त होगा प्रथम तार के? पंचम, धैवत, मध्यम या गंधार?